सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी का परम कर्तव्य है। हम अपने जीवन में वेदोक्त कर्मों को करते हुए, शास्त्रोक्त कर्मों को करते हुए, ऋषिप्रोक्त कर्मों को करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो जीवन में सुख शांति आनंद का आधार होता है। हमारा जीवन अपने लिए तो कल्याणकारी होगा ही होगा, हमारा जीवन इस समष्टि के लिए भी कल्याणकारी होता है। हम अपने गुणकर्म स्वभाव को उत्तम बनाएं, गुणकर्म स्वभाव से जब हम उत्तम होते हैं, हमारा वाणी व्यवहार हमारा आचरण जब लोक कल्याण के लिए होता है तो उससे स्वयं को भी आनंद की अनुभूति होती है, स्वयं भी हम उत्साह में रहते हैं, उल्लास में उमंग में रहते हैं, दूसरों को भी ऐसा ही बनाते हैं। उसके लिए हम नित्य प्रति स्वाध्याय करें, उसके लिए हम नित्य प्रति सत्संग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें। तो ये अनेक उपाय हैं जीवन को अच्छा बनाने के लिए। हम नियमित रूप से आहार निष्पुरुषार्थी हों, बिना थके बिना रुके इस सुपथ से, इस सुमार्ग से, इस धर्म के मार्ग से, कल्याण के मार्ग से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपनी मंजिल को पाएं। ऐसी हम सबकी मनोकामना, मंगल कामना अवश्य होनी चाहिए। आज हम ऋग्वेद के 5वें मंडल के 51वें सूक्त के 15वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। 15 मंत्र इस सूक्त में हैं और बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। अंतिम मंत्र आपके समक्ष रख रहा हूँ मैं, स्वस्ति वाचन में भी इसका विनियोग है। तो नियमित सत्संग, नियमितता और सत्संग के विषय में कहा, जो अहर्निश पुरुषार्थ की भावना है। बहुत सुंदर वेद मंत्र है यह और बहुत प्रसिद्ध भी है। ओम स्वस्ति पंथाम पंथामनु चरेव सूर्या चंद्रमसाविव सूर्या चंद्र मसाविव
पुनर्दत्ता घनता जानता संगमे मही ऋग्वेद के पांचवें मंडल के 51वें सूक्त का अंतिम मंत्र यह 15वां मंत्र है। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्दत्ता घ्नता जानता संगमे मही। ॐ स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्दत्ता घ्नता जानता संगमे मही। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। कहा है जीवन दो भागों में बटा हुआ है, शरीर संबंध भी जो है ऐसे ही समझ लें कि शरीर संबंध जीवन भौतिक जीवन है, आत्म संबंध जो जीवन ही अध्यात्म जीवन है। तो यहाँ पर जो एक शरीर संबंध और आत्म संबंध दो प्रकार से, आत्म संबंध और शरीर संबंध, तो आत्म संबंध जो है वह अध्यात्म जीवन है और जो शरीर संबद्ध है वह भौतिक जीवन है। इस प्रकार से दो इमौ द्वाविमौ पुरुषो पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षरश्च एव च अक्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरः च उच्यते। क्षरांश से संबद्ध जीवन ही भौतिक जीवन है। इस जीवन में हम स्वस्ति पंथाम अनुचरेमा, इस जीवन में हम कल्याण के मार्ग का अनुसरण करें। हम इस जीवन को पा करके जो कहा कि बहुत ही सुंदर जीवन है, स्वस्ति पंथाम कल्याणकारी मार्ग का अनुसरण करने वाले हो, स्वस्ति पंथाम अनुचरेमा, जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने जो सच्चाई का मार्ग था, अच्छाई का मार्ग था, जो सजगता का, सफलता का, सात्विकता का मार्ग था, उसी मार्ग को अपनाया था और अपने जीवन को, इस जगत को सुंदर बनाया था। हम भी ऐसे ही आत्म कल्याण के पथ पर, विश्व कल्याण के पथ पर अग्रसर हों, अकल्याण के पथ पर, अधर्म के पथ पर, अन्याय के पथ पर, अज्ञानता अविद्या के पथ पर, अभाव अंधकार के पथ पर हम कभी भी ना आगे बढ़ें। हम जहां अंधकार है, जहां अन्याय है, अधर्म है, उधर पैर ना बढ़ाएं, पैर को पीछे कर लें। हम स्वस्ति पंथा मनुचरेम, जो कल्याण का पथ है, जो हमारे लिए सच्चाई अच्छाई का पथ है, जो धर्म का पथ है, सत्य का पथ है, जो लोक कल्याण का, परोपकार का, सदाचार का, सद्व्यवहार का, जो दिव्यता का, भव्यता का जो पथ है, उसके हम
राही बने। यही प्रार्थना यहाँ पर की। कितनी सुंदर प्रार्थना है कि हम जो सच्चाई अच्छाई का मार्ग है उस ओर हमको ले चलो प्रभु। और कहा उदाहरण देते हुए सूर्य चंद्र मसौ इव, कहा सूर्य और चंद्र की भांति उनकी तरह सब भौतिक क्रियाओं को जैसे नियमित गति से करें, जैसे सूर्य और चंद्र की गति पूर्ण रित के लिए होती है, इसी प्रकार हमारे सब भौतिक क्रियाएं नियमित गति को लिए हुए हों। यह सब जानते हैं कि कभी भी एक बार भी जब से सृष्टि बनी है एक बार भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूर्य ने जो है उदित होना छोड़ दिया हो, चंद्रमा ने अपनी मर्यादा भंग कर दी हो। जब से सृष्टि बनी है नित्य प्रति सूर्य अपने समय पर उदित होता है और अपने समय पर अस्त हो जाता है। यद्यपि आज सब जानते हैं वैज्ञानिक जो पक्ष है कि पृथ्वी हमारी उसका चक्कर लगा रही है सूर्य का, तो सूर्य के चक्कर लगाना भौतिक जो चीजें हैं और एक जो आध्यात्मिक जीवन है उस जीवन से भी हम समझने का प्रयास करें, तो यह बात हमको सुनिश्चित करनी चाहिए कि जो हमारा जीवन है वह निरंतरता से युक्त हो। यहाँ पर इस वेद मंत्र में निरंतरता की नियमितता की बात पर विशेष बल दिया है कि नियमित कार्य हो, अर्थात यदि सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो कभी उससे विचलित ना हो, कभी उससे ऊबे नहीं कि अरे बहुत दिन हो गए धर्म करते करते, बहुत दिन हो गए सत्य बोलते बोलते, अब थक गए हैं सत्य बोलते बोलते, अब हम सात्विक जीवन जीते जीते थक गए हैं, अब हमको नहीं करना ये, ऐसा कभी भी भाव मन में आना नहीं चाहिए। सूर्य और चंद्र का उदाहरण दिया है कि सूर्य और चंद्र जैसे बिना थके बिना रुके उस प्रभु के बनाए हुए नियम के अनुसार चलते हैं, उनका कभी अतिक्रमण नहीं करते। इसी प्रकार से हम भी निरंतरता के साथ एकाग्रता और जो है लयबद्धता के साथ अपने समस्त कर्मों का अनुष्ठान करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करें, क्योंकि महर्षि पतंजलि जी ने भी कहा है कि सतु दीर्घ काल नैर्यंतर सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि। यदि हम योग की सिद्धि चाहते हैं, इस अध्यात्म की सिद्धि चाहते हैं, किसी भी प्रकार की यदि हम सिद्धि चाहते हैं अर्थात उस पर हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए निरंतरता पूर्वक हम गति करें, निरंतरता पूर्वक हमारा कार्य हो, अर्थात हम जब आत्म कल्याण के पथ पर अध्यात्म के पथ पर चल पड़े हैं तो कभी ना कभी तो मंजिल मिलेगी, हम कभी थके नहीं रुके नहीं, चरैवेति सतत इस यात्रा में आगे बढ़ते चले जाएं। हम जब ऐसे जीवन को जीते हैं तो बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है ऐसा कहते हैं, और बूंद बूंद से घड़ा खाली हो जाता है। तो जो हम कर्म कर रहे हैं नित्य प्रति, जो स्वधर्म का पालन कर रहे हैं नित्य प्रति, उसमें प्रमाद ना हो, उसमें आलस्य ना हो, उसमें श्रद्धा हो, उसमें भक्ति हो, उसमें जो एक नियम बनाया कि मनुष्यता से युक्त हमारा यह संपूर्ण अस्तित्व है, हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य का गुणकर्म स्वभाव शास्त्रों में क्या बताया है और वेदानुकूल जीवन आत्मानुकूल जीवन हमको जी करके इस समष्टि के लिए अत्यंत महनीय जो कर्म है उसको हम कर पाए, ऐसा हम अपना स्वभाव बना लें। तो इसलिए कहा स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्र मसावि, वो कभी थकते नहीं रुकते नहीं और वे सदा अपने नियत समय पर उदित होते हैं, और संसार का जो कलमस है, जो कालिक है, जो अंधकार है, उसका हरण कर लेते हैं क्षण भर में, सारे संसार का जो अंधकार है उसको दूर भगा देते हैं, क्षीण कर देते हैं। ऐसे ही हम अपने जीवन में निरंतरता के साथ लोक कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए
जो एक रास्ता हमने चयनित किया है, हमारे द्वारा जो चयनित है, जिसको चुन लिया है, उस पथ से कभी विचलित नहीं होना, उस पे निरंतरता पूर्वक चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना, कभी ना कभी मंजिल तो मिल जाएगी। ऐसे ही गृहस्थ में या वानप्रस्थ में, संन्यास में, ब्रह्मचर्य में, दाम्पत्य जीवन में, हम विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में भी हम निरंतर पढ़ते रहें। निरंतर पढ़ने मतलब 24 घंटा पुस्तक नहीं, लेकिन आज पढ़ा 10 दिन छोड़ दिया, 10 दिन खूब पढ़ा, फिर एक महीने छोड़ दिया, आज व्यायाम किया फिर कल छोड़ दिया, 2-4 दिन 10 दिन लगातार किया फिर एक महीने छोड़ दिया। तो ये जो निरंतरता नहीं रह पाती है वो बड़ी हानिकारक है। हम जितना जितना करें उतना हम रोज धीरे धीरे इस गति को, इस प्रगति को बढ़ाते जाएं, तो निसंदेह जीवन हमारा अत्यंत सुंदर बन जाएगा। इसलिए कहा कि जैसे सूर्य और चंद्रमा की गति पूर्ण रित के लिए होती है, इसी प्रकार हमारी सब भौतिक क्रियाएं नियमित गति की ओर ले जाने वाली हों, हम भौतिक जीवन में भी पूर्ण दिव्यता का आधान करते हुए जीवन को जीने वाले बने। नियमितता से ही स्वास्थ्य होता है। रोज हम प्राणायाम करें, रोज व्यायाम करें, आसन करें, पूरा नहीं कर पाते तो जितना कर रहे हैं रोज उतना करें, समय पर करें, ध्यान करें, और यहाँ थोड़ा थोड़ा किया हुआ कार्य, थोड़ा थोड़ा किया हुआ स्वकर्तव्य अनुष्ठान हमको पता नहीं कब दिव्य विभूति से युक्त कर देता है, स्वास्थ्य का कारण बन जाता है। और यदि हम विचलित होते हैं, यदि हम गलत रास्ते पर जाते हैं, तो ये जो भोग है, इस संसार का जो रोग है, ये हमको रोगी बना देगा, हमको धराशायी कर देता है। इसलिए हम जीवन में निरंतरता, धर्म से त्वरिता गति, धर्म की गति तेज होती है, तो हमको तेजी से आगे बढ़ना है। और जो अच्छाई है, सच्चाई है, जो तथ्य सत्य है, उसको ग्रहण करना है। आगे कहा, अध्यात्म जीवन में उन्नति के लिए हम पुनः फिर संगमे मही, उन्हीं पुरुषों के संग में आए जो ददता, देने की वृत्ति वाले हों। कितना सुंदर उपदेश है हम सबके लिए, हम उन्हीं लोगों की संगति में रहें, ऐसे देवतुल्य लोगों की संगति में रहें जो देने की प्रवृत्ति वाले हों। अर्थात अपने जान, अपने पुरुषार्थ, अपने जो है संपूर्ण अस्तित्व से जो देने का स्वभाव जिनका है, जो देवतुल्य हैं, देवता, जो उदार मना हैं, देव वृत्ति वाले हैं, देने की वृत्ति वाले हैं, उन्हीं से हम अपनी मित्रता रखें, उन्हीं के संग में रहें। और जो कृपणता वाले हैं, जो कंजूस हैं, मक्खी चूस लोग हैं, ऐसे लोगों की संगति में कभी ना रहें, ऐसे लोगों की संगति से हानि हो सकती है। और कहा, अघ्नता, जो शक्ति के मद में औरों का हनन करने वाले ना हो। शक्ति संपन्न होना कोई अपराध नहीं है, परंतु जब शक्ति संपन्नता आ जाती है व्यक्ति में, तो प्रायः व्यक्ति अहंकारी हो जाते हैं, प्रायः व्यक्ति मद में, अहंकार में अन्याय कर बैठते हैं। वे नहीं समझते कि वास्तव में सत्य तथ्य क्या है और न्याय क्या है, कैसे इसको करना चाहिए। वे अपने शक्ति के मद में चूर चूर हो जाते हैं, वो मजबूर लोगों की अवहेलना करते हैं, उनको पीड़ा देते हैं, लेकिन वे भी ज़्यादा दिन तक इस कार्य को नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। तो हम ऐसे लोगों की संगति में रहें जो अघ्नता, जो शक्ति के मद में दूसरों का हनन करने वाले ना हों। और तथा जानता, ज्ञानी हों, दान देने की प्रवृत्ति वाले हों, दूसरों का हित करने वाले हों, तथा ज्ञानी हों, अपनी शक्ति का कभी भी दुरुपयोग ना करने वाले हों। जो ज्ञानी हैं, दानी हैं, जो धीर वीर गंभीर हैं,
दूसरों की रक्षा करने वाले हैं, ऐसे उत्कृष्ट ज्ञानी ब्राह्मण या जैसे भी संसार में हमको विशिष्ट गुण वाले मिलते हैं, ऐसे हमारे सखा मित्र संगी साथी हो, इसके संग में हम अपने जीवन को भी दान से उत्कृष्ट करें, दानमय बना लें, तो जीवन हमारा कल्याण से युक्त हो जाएगा। नियमितता हमारे भौतिक जीवन को स्वस्थ बनाए, उत्तम संग हमारे अध्यात्म जीवन को परिष्कृत करे, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग, ऐसा लोग बोलते हैं। तो सत्संगति का बड़ा ही महत्व हमारे शास्त्रों में आया है और ये भी बात कही है, सत्संगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए, नीरस सा टुकड़ा शीशे का हाथों का कंगन बन जाए। सत्संगति और विमल मति से एक सपूत मिटा सकता है इतिहासों के काले धब्बे, एक सपूत मिटा सकता है इतिहासों के काले धब्बे, चंदन के एक ही बूटे से, चंदन के एक ही बूटे से सारा वन चंदन कहलाए। सत्संगति और विमल मति से, तो सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते, अच्छे लोगों की संगति में रहना सत्संगति कहलाती है। और सत्संग से ही व्यक्ति को विवेक की प्राप्ति होती है। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, ईश कृपा बिन सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सब साधन फूला, सठ सुध रही सत संगत पाई, पारस परत को धात सुहाई, पारस परत कुधात सुहाई। ओम शांति शांति शांति।